नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर परेश देशमुख ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने मोबाइल लूट को लेकर खुलासा किया। आरोपी जयपुर के क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस ने रोकथाम हेतु कार्रवाई के लिए थानाधिकारी संजय सर्किल के नेतृत्व में एक टीम गठित की। वहीं पुलिसिंग और सूचना तंत्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर थानाधिकारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। करने वाले एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आज से 4 दिन पहले 8 तारीख को एक सूचना मोबाइल स्नैचिंग की थाने पर मिली थी, जिसका अनुसंधान किया गया, तलाश की गई और तलाश के दौरान इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसकी पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसने और भी जगह पे ये मोबाइल स्नैचिंग की है। तो उससे कुल अब तक 21 मोबाइल जो स्नैच किए गए ये बरामद किए जा चुके हैं और आगे भी बरामदगी के प्रयास इसमें जारी हैं। जो सीज्ड मोबाइल हैं उनके भी हम डिटेल निकाल कर पता कर रहे हैं कि किसके ये मोबाइल्स हैं। जो ये व्यक्ति अरेस्टेड है ये नशे का आदि है और मोबाइल स्नैच करके उसे सस्ते रेट पर लोगों को बेचकर अपने नशे का प्रयोजन के लिए ये इस प्रकार की वारदातें करना अभी तक सामने। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।